दोस्तों मेरे पास है इन्फिनिक्स की तरफ से ब्रांड न्यू स्मार्टफोन इन्फिनिक्स हॉट 8। तो आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों, आज इस वीडियो में इन्फिनिक्स हॉट 8 का फुल कैमरा रिव्यू करने वाला हूं। इन्फिनिक्स हॉट 8 आता है 7000 रुपीस के अंदर, और 7000 रुपीस के अंदर स्मार्टफोन के अंदर कैसा कैमरा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है वो जानने के लिए ये वीडियो अब लास्ट तक जरूर देखते रहिए। हेलो गाइस, मैं हूं संजय, आप देख रहे हैं टेक्निकल बाबा संजय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। बीच में वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक करना, उसी के साथ साथ जो मेरा नया मेहमान हो अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले इन्फिनिक्स हॉट 8 का जो कैमरा स्पेसिफिकेशन मैं बता देता हूँ। गाइस यहाँ पर आपको बैक साइड की तरफ देखने को मिलेगा ट्रिपल कैमरा सेटअप जो आने वाला है। इसका प्राइमरी सेंसर होने वाला है 13 मेगापिक्सल, उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा डेप्थ सेंसिंग के लिए, और दोस्तों थर्ड जो कैमरा देखने को मिलेगा लो लाइट सेंसर के लिए। कहने की बात है 7000 रुपीज के अंदर बहुत ही अच्छा खासा कैमरा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है इन्फिनिक्स हॉट 8। और गाइस यहाँ पर जो सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा आपको 8 मेगापिक्सल। दोस्तों इसके बाद चलिए कुछ फोटो सैंपल देख लेते हैं तो यहाँ पर इन्फिनिक्स हॉट 8 के अंदर कैसा फोटो क्वालिटी बैक कैमरा में आता है। गाइस ये फोटो मैंने क्लिक किया हूँ आउटडोर में, तो ये है दोस्तों पेड़ का एक फोटो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो पेड़ का कलर कॉम्बिनेशन कैसा आ रहा है, उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो जो पिक्चर क्वालिटी कैसा है। दोस्तों ये पिक्चर भी पेड़ का है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा पोर्ट्रेट मोड में मैंने खींचा हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से बैकग्राउंड को ब्लर भी किया है। दोस्तों ये पिक्चर मैंने नॉर्मल मोड में खींचा हूँ, तो जो पत्ता है यहाँ पर आप देख सकते हो उसको मैंने फोकस किया हूँ, बैकग्राउंड बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लर भी किया है। गाइस यहाँ पर अगर बूके होता तो इनकी पोर्ट्रेट मोड होता तो बहुत ही अच्छा खासा होता, मुझे लगता है दोस्तों इसका जो कैमरा ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो नेचुरल कलर आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छा खासा है, उसी के साथ साथ यहाँ पर पेड़ का जो कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लिक भी किया है। इसके बाद दोस्तों कुछ पोर्ट्रेट मोड की फोटो की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो बैकग्राउंड को बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लर भी किया है, जो मुझे फोकस भी किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैकग्राउंड को तो बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लर भी किया है, उसी के साथ साथ कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा खासा है। मुझे लगता है दोस्तों इसका जो ट्रिपल कैमरा बहुत ही अच्छा खासा होने वाला है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो पोर्ट्रेट मोड का फोटो, जो पेड़ का मैंने फोटो लिया हूँ, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे खासा कलर कॉम्बिनेशन आ रहा है, उसी के साथ साथ नेचुरल कलर को भी बहुत ही अच्छे तरीके से पिक भी किया है। गाइस यहाँ पर बताया जाए तो ऑल एवरेज आपको कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा खासा इनको ठीक ठाक भी देखने को मिलेगा। दोस्तों चलिए इसका फ्रंट कैमरा सैंपल देख लेते हैं कितना अच्छे तरीके से पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलता है। ऐसे भी दोस्तों यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल देखने को मिल जाएगा। गाइस सच कहो तो इसका जो 8 मेगापिक्सल बहुत ही बढ़िया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये पिक्चर मैंने फ्रंट कैमरा से खींचा हूँ और नॉर्मल मोड में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसका जो पिक्चर क्वालिटी। और आप यहाँ पर पीछे की तरफ देखोगे तो पेड़ का फोटो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लिक भी किया है और कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 8 के अंदर आपको थोड़ा सा ब्यूटी मूड भी देखने को मिल जाएगा। और गाइस ये पिक्चर मैंने खींचा हुआ फ्रंट कैमरा से ब्यूटी मूड में, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ब्यूटी मूड काम कर रहा है। अगर आप फोटो को बहुत ही ज्यादा ब्राइट करना चाहते हो दोस्तों ये फोन आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। उसी के साथ साथ ये पोर्ट्रेट मूड की बात किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो पोर्ट्रेट मूड बहुत ही अच्छे तरीके से बैकग्राउंड को ब्लर भी किया है। उसी के साथ साथ कलर कॉम्बिनेशन की बात किया है दोस्तों इन्फिनिक्स इसके लिए बहुत ही बढ़िया है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो पोर्ट्रेट मोड का जो बैकग्राउंड ब्लर और दोस्तों कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों यहाँ पर एक से एक फोटो लाजवाब शॉट भी लिया है। कहने की बात दोस्तों 8 मेगापिक्सल कमाल की फोटो खींच रहा है। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। ऐसे भी दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको AR शॉट मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फानी शॉट बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो दोस्तों यहाँ पर कुछ भी शॉट ले भी सकते हो, बहुत ही अच्छा जैसा यहाँ पर फिल्टर वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो मैंने कुछ फोटो आपको साथ शेयर किया हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही फानी फोटो यहाँ पर आप क्लिक भी कर सकते हो, उसी के साथ साथ आप अपना दोस्त को शेयर भी कर सकते हो। कहना की बात है दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 8 के अंदर बहुत ही अच्छा खासा कैमरा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस ये तो था इन्फिनिक्स हॉट 8 का कुछ कैमरा सैंपल। तो यहाँ पर कैमरा सैंपल इनके फोटो के बारे में बात किया जाए दोस्तों लाजवाब शॉट है। यहाँ पर जो 13 मेगापिक्सल आपको कमाल के देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ इसका जो सेल्फी कैमरा जो बहुत ही अच्छा खासा को मिलेगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। दोस्तों चलिए इसके बाद कुछ वीडियो सैंपल देख लेते हैं, वीडियो कितना अच्छा क्लिक करता है इन्फिनिक्स हॉट 8 दोस्तों देख लेते हैं। गाइस ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ इन्फिनिक्स हॉट 8 का बैक कैमरा से, तो आप यहाँ पर साउंड क्वालिटी कैसा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो जो स्टेबिलाइजेशन दिखाई दे रहा है कैसा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पेड़ का कलर कॉम्बिनेशन कैसे आ रहा है, उसी के साथ साथ इसका जो ऑटो फोकस को टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो जो
ऑटो फोकस यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा खासा है। मुझे लगता है दोस्तों 7000 रुपीज़ के अंदर बहुत ही अच्छा खासा कैमरा परफॉर्मेंस इन्फिनिक्स हॉट 8 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो नेचुरल कलर आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छा खासा है। तो कहीं ना कहीं बात है दोस्तों 7000 रुपीज़ के अंदर जो इन्फिनिक्स हॉट 8 के अंदर कैमरा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलेगा। दोस्तों हम गांव से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर गांव का नज़ारा आप यहाँ पर देख सकते हो, खेतीबाड़ी है। तो कहना की बात है दोस्तों इसका जो कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। दोस्तों चलिए इसका फ्रंट कैमरा सैंपल देख लेते हैं। गाइस इन्फिनिक्स हॉट 8 का जो 8 मेगापिक्सल कैमरा बहुत ही अच्छा खासा है। अगर आपका बजट है 7000 रुपीज़ और उसी प्राइस के अंदर एक ब्लॉगिंग वाला अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो 5000 mAh की बैटरी तो यहाँ पर अच्छा खासा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मुझे लगता है दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा होने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पिक्चर क्वालिटी कैसा है, ज़बरदस्त है। तो मुझे लगता है दोस्तों ज़बरदस्त है। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। तो यहाँ पर स्टेबिलाइजेशन की बात किया जाए तो मैं थोड़ा सा भाग के देखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्टेबिलाइजेशन कैसा है। तो मुझे लगता है दोस्तों ठीक ठाक देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों 7000 रुपीज़ के अंदर नॉर्मल सा स्टेबिलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप ब्लॉगिंग करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा खासा स्मार्टफोन होने वाला है। मुझे लगता है दोस्तों इसका जो पिक्चर क्वालिटी और दोस्तों यहाँ पर जो कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा खासा है। 7000 रुपीज़ के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है इन्फिनिक्स हॉट 8। 8 मेगापिक्सल आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल रहा है, तो ठीक ठाक ही होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। कहना की बात है दोस्तों अगर आप 7000 रुपीज के अंदर एक कैमरा क्लास स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो मेरे हिसाब से बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है इन्फिनिक्स हॉट 8। क्योंकि दोस्तों इसका कुछ फोटो सैंपल और वीडियो सैंपल मैंने शेयर करने के बाद मुझे लगता है दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा कैमरा परफॉर्मेंस 7000 रुपीज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा इन्फिनिक्स हॉट 8 के अंदर। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप फोन कैमरा से ब्लॉगिंग वगैरह करोगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। अगर आपका बजट है 7000 रुपीज उसी प्राइस के अंदर एक कैमरा क्लास स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो दोस्तों मेरे सजेशन है इन्फिनिक्स हॉट 8 आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है इन्फिनिक्स हॉट 8 का जो कैमरा परफॉर्मेंस लाजवाब है। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सबका राय तो अलग अलग होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, उम्मीद करता हूँ मैंने आपका सारा डाउट क्लियर करा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, उसी के साथ साथ जो मेरा नया मेहमान हो अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसी चैनल में इसी तरह का वीडियो एंड लेटेस्ट स्मार्टफोन की अपडेट लाता रहता हूँ सबसे पहले आप लोगों के लिए। तो सब्सक्राइब तो बनता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।